अब पुत्र लोगों का वंश चल रहा है। बड़े वाले बेटे का नाम हुआ उत्तानपाद। जाए उत्तानपादस्य जाए उत्तानपादस्य। मेरी आवाज थोड़ी गांव गांव हो रही है। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत स्तुतो ध्रुवा। उत्तानपाद के दो विवाह हुए, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। ये मनु जी के बड़े बेटे हैं। एक का बेटा हुआ उत्तम और एक के बेटे हुए ध्रुव। देखिए यह भी एक विज्ञान है, दर्शन है। उत्तानपाद कौन? यह जीव उत्तानपाद है जो अपनी मां के गर्भ में उल्टे लटका रहता है और इसकी दो वृत्तियां ही दो पत्नियां हैं। सुनीति जो संसार को देखे वो सुरुचि और जो परमात्मा को देखे वो सुनीति। संसार को देखने वाली का पुत्र उत्तम होता है लेकिन ध्रुव नहीं हो सकता, अटल नहीं हो सकता। अटल तो परमात्मा को देखने वाली सुनीति। उत्तानौ सुभारते पाद विक्षेपो यस्य स उत्तानपादः। व्याख्या कर श्रीधरी टीकाकार। उत्तानपाद कौन है? जिसका पैर उत्तान होकर चल रहा हो। ध्यान से सुनिए, तो कुछ लोगों का पैर गलत रास्ते पर भी चलता है लेकिन उत्तानौ सुभार्थे पादौ विक्षेप यस्य। जिसके जीवन में शुभ कार्य होने लगे तब वो जान ले कि हम उत्तानपाद हो गए। तो आज राजा उत्तानपाद की दो शादियां हुई। बड़ी वाली पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। दोनों के एक एक बेटे हुए। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि को ज्यादा मानते थे। क्यों? थोड़ी सुंदर ज्यादा थी। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आए। उस समय उत्तम गोद में बैठे हुए थे। 5 वर्ष के ध्रुव थे। गोद में बैठने की इच्छा लेकर आए। सुरुचि ने पकड़ करके हाथ खींचा और भगा दिया, हट जाओ, इनकी घर इनके गोद में तुम नहीं बैठोगे। क्यों? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? लेकिन उत्तानपाद राजा की हिम्मत नहीं हुई कि कह दे कि तुम भी मेरे बेटे हो। सुरुचि ने जानते हैं क्या कहा? कभी कभी क्रोध में भी व्यक्ति बहुत अच्छी बात कह जाता है। यह बात याद रखें। क्या कहा? का तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि निपाशनम्। यदि राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्रकट करो और उनसे वरदान मांगो और मेरे गर्भ से जन्म लो। इसका अर्थ ये हुआ कि सुरुचि को इतना अभिमान था कि भगवान से भी बड़ा मेरा गर्भ है। और इस अभिमान की क्या परिणति होगी आप आगे परिणाम देखेंगे। यह बात सुनकर के ध्रुव जी गए अपनी मां सुनीति के पास। सुनीति माता से रो रो करके कहे, कैसे चल रहे हैं? जैसे लाठी लगा हुआ सांप चल रहा हो। क्यों? सांप का बच्चा छोटा चाहे बड़ा, क्षत्रिय बालक है, सामान्य बालक नहीं। खून का तो असर होता ही है।
क्रोध भरा हुआ। मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः ससनृषा दण्डहतो यथा अहि। सांप जैसे लाठी से मारा गया हो वैसे सांस लेते हुए गए और अपनी मां से बोले, मां आज मेरी माता सुरुचि ने पिता की गोद में मुझे बैठने नहीं दिया। सुनीति ने बड़ी अच्छी बात कहा। सुनीति ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, नहीं बैठने दिया तो गोद में यदि बैठना चाहते हो तो मेरे कहने पर तो नहीं बैठाएंगे, मैं तो खुद ही दासी की तरह जीवन बिता रही हूं। एक काम करो। क्या? कनान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुखच्छिदं मे मृगयाम कंचन यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रीतरहि रंग विमृग्यमाणया। अरे जाओ उनके गोद में बैठ जाओ, जहां जाने के लिए बड़े बड़े देवसा तरसते रहते हैं, जिन ठाकुर जी को लक्ष्मी जी कमल लेकर खोजती रहती हैं, जैसे कोई अंधेरे में दिया लेकर चलता। जाओ मैं कहती हूं भगवान की गोद में बैठ जा, जा। ऐसी मां कोई है दुनिया में? कलयुग वाली मां तो कहेगी, लो पिस्टल मार दो पिताजी। लेकिन सुनीति ने बच्चे को समझाया, जाओ। मां ने आदेश किया, रास्ते में चले, कभी जीवन में यात्रा किया नहीं था। घनश्याम तुम्हें ढूंढने
खाक पे हम खाक रमाए भगवान की जय। नारद जी अपनी मां की बात मानकर चल पड़े, जैसे भगवान श्री ध्रुव जी अपनी मां की बात मानकर चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। अब नारद जी सामने ही खड़े तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कहां जा रहा बेटा? तो ध्रुव जी की उम्र 5 वर्ष की थी, लेकिन नारद जी को प्रणाम किया। कथाओं के एक एक बातों को ध्यान से समझे, क्योंकि उन्होंने देखा था हमारे पिता के सामने सभाओं में जब कोई संत आते थे तो हमारे पिताजी प्रणाम करते। 5 वर्ष का बच्चा कितना ज्ञानी हो सकता है? आज तो 60 वर्ष के भी लोग बच्चे बने हुए हैं। प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहां जा रहे बेटा? बोले, महाराज जा रहा हूं, हमारे खानदान में जिसको कुछ जो किसी ने नहीं प्राप्त किया वो पाएंगे। अरे नारद जी बोले, देखो यार, कभी कभी उद्वेग में लिया हुआ निर्णय खतरनाक होता है। जैसे कुछ लोग घर में झगड़ा लड़ाई करके भागेंगे, अथवा बेटा पतोह द्वारा प्रताड़ित तो होकर भागेंगे, अयोध्या जा रहे हैं। अच्छा भाई, यहां रहते हैं तो बड़ा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गाय का गोबर फेंकना पड़ता है, भैंस को काम करना पड़ता है। अयोध्या जाएंगे तो साधु महात्मा बन जाएंगे भरपेट। कुछ लोग ये समझते हैं कि साधु बाबा लोग खा खा के मोटाए हुए हैं,
कुछ लोग ये समझते हैं कि बाबा लोग केवल बेवकूफ बना के पैसा तसिल रहे, लेकिन 3 घंटे मंच पर बैठ जाना ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। और हमारे तरुण जी देखते हैं 12-12 घंटे में लगातार पढ़ता रहता हूं, फोन आ रहे हैं, एक एक दिन 100-100 फोन आ रहे हैं, नहीं क्योंकि मंच पे बोलना है। जो विद्यार्थी नहीं होगा वो शिक्षक कैसे हो सकता है। यहां से जाना, फिर पढ़ना, फिर पूजा करना, ये रूटीन है। लोग समझते हैं बाबा माने दुनिया को बेवकूफ बना के माल पीट के पड़े हुए। ऐसे भी कुछ फर्जी लोग होंगे समाज में, मैं नहीं जानता। घर से भागे अयोध्या और वहां गए तो मंदिर में मठ में बड़का भगोना पकड़ा दिया भंडारी, अब ले जाओ दिन भर भगोना माजो। बोले हे भगवान देवघर गई ले दूना दुख हो गया। घर थे तो कम से कम एक ही दो ओड़ा गोबर फेंकते थे, यहाँ तो 100-100 गाय का गौशाले में गोबर फेंक रहे हैं। लगता है कि भगवान के मिलने से पहले हम मर ही जाएंगे। पुनर्मुसको भवा, चला बेटा पतोह कम मारे निकबा। घर ध्रुव ने कहा ना ना ना, आप मुझे नहीं जानते, मारा भागवत कह रही है। नारद जी ने कहा जानता हूं तुम्हारे बाप दादा को। कहा आप मुझे भी जानिए, मैं मनु के वंश में पैदा हुआ हूं, उत्तानपाद का बेटा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मर जाऊंगा लेकिन लौटना मेरा धर्म नहीं है। रघुवंश महाकाव्य में कवि कुल श्रोमणि कालिदास कह रहे हैं छतात किलत्रा यति यित्युरग्रह छत्रश्च शब्दः भवति हरु। मैं मरना स्वीकार करता हूं, पीछे लौटना नहीं स्वीकार करता। आप क्या मुझे समझ रहे हैं? नारद जी बोले जंगल में भालू है, शेर है, खा जाएगा। बोले मर जाऊंगा, लौट कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुरुचि की बात मेरे छाती को बेध दी है और बाण लगे हुए व्यक्ति को नींद आती है, लेकिन बाणी के बाण से व्यथित व्यक्ति को नींद नहीं आती। दूसरी बात, मेरी मां ने मुझे आदेश दिया है, भगवान राम दशरथ जी के कहने पर वन नहीं गए, आए, अरे आइए आगे आइए। भगवान राम कैकेयी जी के कहने पर वन नहीं गए, चौबे जी आगे आ जाए बैठे आप, तो गए किसके कहने पर? भगवान राम वन गए कौशल्या जी के कहने पर। ध्यान से सुनिएगा, मानस विद बैठे हैं हमारे तिवारी जी, आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी, मानस बहुत पढ़ते हैं। भगवान राम बन गए माता कौशल्या के करने पर। सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, बोली बचन धीर धरि भारी। माता कौशल्या ने कहा यदि दशरथ जी ने जाने के लिए वन कहा है तो मैं कह रही हूं वन मत जाओ। क्यों? क्योंकि मां से बेसी नहीं, 10 गुना बाप से बेसी, 10 गुना मां का पुत्र पर अधिकार होता है, क्योंकि 9 महीने मां पालती है। अच्छा, भगवान राम ने कहा माता कैकेयी का आदेश है। अरे कैकेयी का आदेश और राम तुम यहां खड़े हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? माता कैकेयी ने तुमको बन जाने के लिए कह दिया, राम तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे धिक्कार है मेरी गोद को, राम तुम अभी चले जाओ जंगल, तुम्हें आराने की आवश्यकता नहीं, भारत की माता है। इसलिए मेरी मां ने मुझे कहा है
कौन? सुनीति ने कहा है। इसलिए मैं भगवान की उपासना करूंगा, कहां जाऊं? एक बात आपको निवेदन करूं, जिनको जिनको नारद जी मिलते हैं उनको उनको भगवान मिलते हैं। नारद जी ने कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि मंत्र महामनि विषय व्याल के अमेटत कठिन कुअंक भाल के। कितने लोग तो गुरुमुख हुए बिना ही मर जाते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि दीक्षा ही नम्र तो यस्य, जो दीक्षा लिए बिना मर जाता है वो अगले जन्म में पशु बनता है। अब कितना लोग जल्दी जल्दी गुरु खोज रहे हैं, गुरु जी नहीं मिल रहे हैं तो किसी को गुरु बना लेते हैं। लेकिन सबको गुरु बना लीजिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु होना चाहिए कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ऐसा गुरु जो चेला को डांट करके चुप रहो ये गलत काम कर रहे हो, इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में है। जिस समय कैकेयी उठा करके जानकी जी के हाथ में बलकल वस्त्र दे रही थी, वशिष्ठ ने कहा मैं इस कुल का गुरु हूं, अगर जानकी के हाथ में तुमने बलकल वस्त्र धराया तो अभी इस अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा गुरु हो, और ऐसा गुरु नहीं कि हरई शिष्य धन शोकन हरई असो गुरु घोर नरक मह परई, खाली चेला से माल ऐंठ रहा है। हाँ, अतवार सोमवार मंगल बुध शनिचर राहु के तू चढ़ा चढ़ा के नहीं। कैसा गुरु? जो सदगुरु वेद वचन विश्वासा। ये बात ध्यान से समझे, हम ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए जिसके प्रति हमारी आस्था हो। अब हम भी वही कर रहे हैं, गुरु जी भी वही कर रहे हैं, तो फिर चेला में और गुरु में अंतर क्या हुआ? कम से कम गुरु जी के जाते ही चेला को ये भय हो जाए कि गुरु जी आए हैं, अब उनकी व्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक करना होगा। अरे नहीं, चिंता मत करो, गुरु जी हमने में खा ले लो, हमने के खा लो। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। उपदेश दिया नारद जी ने, और जाने के लिए कहां कहां का, यदि जाना चाहते हो तो मधुबन चले जाओ। देखिए भूमि का बड़ा महत्व है। मधुबन एक ठो बीएचयू में भी मधुबन है, वो वाला मधुबन नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला मधुबन। कुछ लोग बैठे हैं मधुबन के विषय में जान रहे हैं। मधुबन कहते हैं वृंदावन को। कुछ ऐसी भूमि है जिसमें थोड़ा भी आप रसायन देंगे तो उसमें उर्वरता बढ़ जाती है, और कुछ ऐसी भूमि है कि एक एक धान के नीचे एक एक बोरा यूरिया डाई डाल देंगे लेकिन वो बढ़ने वाला नहीं है। भूमि का बड़ा विशेषता है। तो कैसी भूमि का? मधुबन चले जाओ। मधुबन माने वृंदावन। क्यों वृंदावन जाए? बोले वहां जाओगे तो वहां भगवान के चरण की भूमि है। वृंदावन जाओ ठीक है, और क्या करना होगा? बोले नित्य नहाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि खाई पी कर स्नाना अता पर खुश रहे भग, न जाने कहां से चौपाई दोहा सब गढ़ करके मूर्ख ले आते। नित्य स्नान करना, बिना स्नान के भोजन करना भी पाप है, ब्रह्महत्या का पाप लगता है। और आजकल बिना मुंह धोए ही हम लोग प्रभाते कप दर्शनम, अच्छा और क्या करूंगा? बोले नित्य नहाना और नित्य फलाहार करना। फलाहार का बड़ा प्रभाव है। अब देखिए पंडित जी हमारे बनाते हैं फलाहार, कितना सुंदर बनाते हैं। और आजकल तो फलाहार में सब कुछ चल रहा है। अब आजकल तो फलाहार में मसाल डोसा भी आकर के एंट्री कर गया है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका फलाहार नहीं करना चाहिए, जैसे गाजर मूली टमाटर ये सब फलाहार से बाहर है। लाल मिर्चा, बहुत सारी चीजें जो फलाहार के बाहर है।
और क्या करना? बोले नित्य नाम जपना। आदेश हो गया नाम जपने का। नाम जपने लगे, कुछ दिनों तो बिना खाए रहे, एक महीने फल पर, एक महीने जल पर। अब ऐसे ही करते करते पंचमे मास प्राप्ते जित श्वासो निपात मज, पांच ही महीना में प्राण को निरोध कर लिया और अंगूठे के बल पर खड़े होकर पृथ्वी को दबाया। दाहिने अंगूठे से एक पैर पर खड़े हो गए तो पृथ्वी कांपने लगी। कैसे? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि जब पृथ्वी को दबाया तो यदि कपादे न सपार्थिवार भक, एक पैर पर जब पृथ्वी को दबाया तो जैसे नाव में कोई हाथी एक पैर रख दे और एक पैर जमीन पर रखे तो नाव डगमगाने लगती है, वैसे पृथ्वी डगमगाने, संपूर्ण विश्व को एकमय कर दिया। आत्मा राम पूर्ण काम हो, उनकी इतनी ऊंची साधना हुई कि सारे विश्व का प्राण आरोधित कर लिया, रोक लिया। और जो रोक लिया तो दुनिया के लोगों का नहीं प्राण रुका, देवलोक का भी प्राण रुक गया। देवता घबराए, हे भगवान अब ऊपर का श्वास ऊपर, नीचे का श्वास नीचे, अब क्या हो गया? जैसे आजकल सांस थोड़ा कम हो जाए तो लोग समझना शुरू करते हैं कोरोना तो नहीं हो गया, घबराहट हो जाती है। घबरा के देवता भगवान के शरण में गए। इसका मतलब ये है कि जब कभी कोई कष्ट आए तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में गए, भगवान से बोले लगता है कोई दैत्य प्राणों को प्रतिरोधित कर लिया। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, उत्तानपाद का बेटा है। अच्छा, अरे महाराज जल्दी जाइए, आज विश्व के इतिहास की पहली घटना घट रही है कि आज भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। भक्ति और प्रपत्ति में, भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान के माध्यम से भगवान तक जाया जाता है और भक्ति के माध्यम से भगवान को बुलाया जाता है। ध्यान से समझेंगे, ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खवीश लावही। भक्ति के माध्यम से भगवान पधारे और आज भगवान स्वयं भक्त का दर्शन करने आ रहे हैं। सहस्त्र शीर्षा पितो गरुत्मता मधुर बनम भक्त दृक्षयागतः, मधुर बनम भक्त दृक्षयागतः सहस्त्र शीर्षा पुरुषम। मधुबन में भगवान आए और भगवान आकर के अपने भक्त का दर्शन किए। जय जय, दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद भक्त की आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने भगवान के चित्र को अपने चित्त में रख लिया था। अयोग क्या है? योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोक लिया, नियंत्रित कर लिया। भगवान सोचे अभी ऐसे नहीं मानेगा, खींचा और जब वही अपना चित्र उनके चित्त से खींचा, घबरा गए। वो कहां गया सांवला सुंदर सलोना दिव्य सुंदर लाल लाल वो बिंबा फल की तरह जिसके अधर होंठ थे और जिसके सुंदर रत्नारे नयन थे, जिसके बड़े भाल विशाल थे और सुंदर सुंदर चिमक बोल गाल थे और बड़े बड़े सुंदर रत्नारे घुघरारे काले काले केस बाल थे, आखिर वो कहां गया? जब देखने लगे तो सामने देखा, आह जिसको मैं ध्यान में देख रहा वो तो सामने मेरे खड़ा है। ध्रुव जी तुरंत चरणों में गिर पड़े और जब गिर गए तो कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए भगवान भक्तों की भावना समझ जाते हैं, भगवान से मांगना नहीं है। अब कुछ लोग जाते हैं कहते हैं, हे मंडेश्वरी माई हमार कल्याण हो जाए तब पाप भरतों के लड्डू चढ़ाए। अब मंडेश्वरी माई पाप और लड्डू पर 1 अरब का ठीका उनको दिलवा दे। हाँ ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, हनुमान जी के यहाँ जाएंगे 100 ग्राम लड्डू हिला रहे हैं, बोले हनुमान जी
देखिए मेरी तरफ, मैं शुद्ध देसी डालडा का लड्डू लेकर खड़ा हूं, आपको देना चाह रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं। क्या हमको इस चुनाव में विधायक बना दीजिए? अरे, और बोले 1 करोड़ का कम से कम एक फ्लैट दिलवा दीजिए, और बोले ज्यादा तो नहीं 10-20 गाड़ी खरीदवा दीजिए, और हनुमान जी सोचे ये तो सबसे कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मांग लिया ही, और 100 ग्राम देसी डालडा का लड्डू दिखा रहा है। ये बड़े बड़े चालाक आजकल के भगत हैं। दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से बोलेंगे पूजा का सामान दे दीजिए, अब जितना थर्ड क्लास का सामान है सब पूजा में घसेटा जा रहा है। खाने के लिए घी 1200 रुपए किलो, पूजा के लिए घी 400 रुपए किलो। आखिर भारत सरकार इतनी दयालु कैसे हो गई कि 800 रुपए सब्सिडी देने लगी घी पर? ये विचार करने की बात है, सब फर्जी हो रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति शरणागत हो जाए भगवान के सामने, हाथ खड़ा कर दिया, भगवान भावना समझ गए, भगवान से मांगना नहीं पड़ता, अपने आप सब देते हैं, मेरा चेला तुझको क्या चाहिए ले ले। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी की बात है, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम क्रोध लोभ से मुझे मुक्त कर दो। मांगना नहीं पड़ता क्योंकि सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अड़ो अड़ियान महतो महियान सब जानता है, भगवान से कोई चीज छिपी नहीं है। भगवान ने ध्रुव के गाल पर शंख स्पर्श कराया, और आयुर्वेद में हमारे चिकित्सक लोग बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी तो भभुआ के चिकित्सक हैं वर्तमान मोहनिया में। आयुर्वेद में एक भस्म होता है शंख भस्म, जो नहीं बच्चा बोलता है उसको खिलाया जाता है, और हमारे पुराणों में पहले से इसकी चर्चा है। शंख स्पर्श कराया गाल पर, और जब वही स्पर्श कराया तो बोलने लगे। भगवान के भक्त जब भी बोलते हैं तो स्तुति बोलते हैं, भगवान के भक्त गाली नहीं देते। क्या बोला? यौंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यह अंतः प्रविश्य मम प्रसुप्तां वाचां संजीवयत् इत्यन्वयः प्राणान अपि संजीवयति, प्राण को भी संजीवित किया वह परमात्मा जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, मेरे इंद्रियों में तेज भर दिया, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान खुश हो गए, अरे बोल बोल कुछ मांग ले। जब मांगने की बात आई तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं क्या मांगू? भगवान समझे बच्चा है नहीं मांग पाएगा, जाओ मैं तुमको 36,000 वर्ष का राज्य दे रहा हूं, क्योंकि भगवान उनके मन का संकल्प समझ गए थे, और तुम्हारे लिए मैं ध्रुव लोक दे रहा हूं, आज भी ध्रुव लोक है। ऐसा कह के भगवान चले गए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, जब भगवान चले गए तब क्या हुआ? बोले ध्रुव जी छाती पीट पीट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? बोले भगवान से हमने संसार की चीज मांग लिया, अब कोई राजा प्रसन्न हो और कहे मांगो तो मांगने वाला कहे महाराज कुछ नहीं लेना है, 1 बोरा धान का भूसी दे दीजिए, तो मांगने वाला बेवकूफ ही तो है। फलीकार इवा धन लिखा है भागवत में, धान की भूसी। इधर राजा उत्तानपाद के पास नारद जी गए तो राजा साहब रो रहे कि अपनी इस पत्नी के चक्कर में आकर मैं अपने छोटे बेटे का त्याग कर दूं। नारद जी ने कहा रो नहीं,
तुम्हारा बेटा वो करके आ रहा है जो किसी ने नहीं किया है। क्या? बोले भगवान का साक्षात्कार करके आ रहा है, जाओ उनका स्वागत करो। राजा उत्तानपाद आए, ध्रुव जी महाराज घर पधारे। ध्रुव जी का जब स्वागत हुआ, स्वागत होने के बाद तुरंत पिता ने ले जाकर सीधे सिंहासन पर बैठाया और अपने गुरुजनों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उनका राज्याभिषेक कर दिया। उत्तानपाद जी महाराज चले गए, उत्तानपाद जी घर छोड़कर चले गए। इस कथा का अभिप्राय क्या है? कभी न मांगे मोती मिले, हम मांगे मिले न भी। मांगना नहीं है, और मांगना जब भी है तो भगवान से मांगना है, क्योंकि रत्ना करस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा देयम किमस्ति भवते जगदीश्वराय। दलिद्र से दलिद्र क्या आघाएगा? देने वाला परमात्मा देनहार कोई और है, और भगवान ही है जो अपने भक्तों की इच्छा पूरा करता है। इस कथा का फल यह है कि जो इसको सुनता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरा तात्पर्य यह है कि कान खोलकर दुनिया वाले सुन लें, संसार का फल उत्तम भले हो जाए लेकिन ध्रुव नहीं हो सकता है, ध्रुव तो भगवान के चरणों की कृपा से ही हो सकता है। आगे उत्तम मारा गया, ध्रुव जी ने युद्ध किया, कुबेर जी के परिवार से युद्ध हुआ, महाराज मनु के कहने पर युद्ध का विश्राम हुआ।